हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवाना बेगम है और मेरे भाई के घर में ऐसा हादसा होगा। मेरे को फ़ोन आया तो मैं ही गई। तो कहाँ पर है भाई आपके? मेनीपट्टनम पे, यहीं छः मेनीपट्टनम के अंदर है। वहीं पीएस को आके वह बोली करी। हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में हूँ मैं। ऐसा बात करने को आए करे तो ना बच्चे को पकड़ेगा थे, वो बच्ची को भी ला ली ये कर लिए। क्या हुआ? वो रेप का रेप बोल के वो बच्ची बोरी। अब ऐसा ऐसी की बात ऐसी है बोल के इशारों से बोरी समझो। बच्ची को बात करना नहीं आता। अच्छा, हाँ, दो तीन वक्त है ऐसी इशारे वो कर रहा था कहते तो घर के लोग हम बातें करे यही वो बच्ची को कई को इशारे वो कर रहा बोले तो बराबर बैठता हूँ मैं, बराबर ठहरता हूँ मैं बोल के बोला करते घर का ने। हाँ, तो क्या घुस गए घर में, घुस के बच्ची को अंदर टॉयलेट में पकड़ लेके खींच लेके चले गए कहते। हाँ, घंटे के बाद निकले तो बच्ची छोटी बच्ची देखी कहते जाके नहीं है चाची, कहाँ है कि कहाँ है चाची बोले तो टॉयलेट में है, खिड़की पे चढ़ के देखे तो दोनों है ठेक थे। गुंगा है, बच्ची भी गुंगी है। शादियों के 5 साल हो रहा है इन लोगों की, एक बच्ची भी है इन लोगों को। कितने साल की है बच्ची? 3 साल की है। मदद चाह रहे, वो ऐसा रहा तो कैसा, गुंगे बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे आजकल, ऐसा रहा तो कैसा होगा, कैसा जीना। हाँ, अल्लाह ताला गुंगे बना के भेजा तो भी ये परेशानी है। जबान रहती तो बच्ची कुछ मारती थी, पकड़ती थी, चीखती थी। जबरदस्ती घुस गया बच्चा? हाँ, जबरदस्ती घुसा उन्हें। दो तीन वक्त से ताक में था कहते उन्हें। अब इंसाफ अच्छा करो उनसे, कब से पुलिस वालों साहब से सब से। माँ भी उतनी वो नहीं है, बच्ची की माँ भी लंगड़ी है, उसको आता नहीं, बात करने नहीं आता, चलने नहीं आता। उन्हें भी भीख मांग के खाना वो खा लेते कर लेते, वो बोल के हमने बच्ची को कर ली है ये शादी। गुजारिश करते हैं ज़रा अच्छा एक्शन लो, बच्ची उसको कैसा करते क्या करते। अब आप लोगों को मालूम है, इंसाफ आप लोग ही दिलाने वाले हैं। मेरा नाम रिजवाना बेगम है। बच्ची को क्या होना? मैं फुप्पू सास होना, फुप्पू बोले तो मैं माँ बन के वो बच्ची की शादी करी भैया। आपको क्या हो रहा है? उन्होंने मेरे को भतीजे की बीवी होना, मेरे भाई करी मैं।